कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज सीएम सिटी करनाल पहुंचे। यहां कांग्रेसी नेता नरेंद्र सांगवान के निवास पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर नरेंद्र सांगवान ने उनका फूल माला पहनाकर व बुके देकर गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया। दीपेंद्र हुड्डा यहां चंडीगढ़ जाते हुए कुछ देर के लिए रुके थे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया। पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार के 100 दिन होने के बाद कोई भी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम सिरे नहीं चढ़ा है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन जो जेजेपी ने 5100 रुपए कहे थे और बीजेपी ने 3100 कहे थे, वह वादा पूरा नहीं किया गया, सिर्फ 50 रुपए बढ़ाकर ही संतुष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़कर जीते थे, परंतु बाद में बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि इनको तो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करनी है, जनता के हितों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल के घोगड़ीपुर एवं सोनीपत में होमगार्ड की सरेआम हुई हत्या पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने अपने विभागों के बारे में ही नहीं पता है कि सीआईडी किसी के पास है और अन्य कार्य और कोई देख रहा है। पत्रकारों से पूछे गए एक सवाल के जवाब में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हाफ करने का काम किया गया है और दिल्ली में पार्टी को पूरी तरह से साफ करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास भी हुआ था और निवेश भी हुआ था, परंतु इस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जल्द ही कांग्रेसी नया संगठन खड़ा करेगी, जिसमें पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी जो पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ा सके। इस मौके पर करनाल कांग्रेस पार्टी के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, पूर्व विधायक राकेश काम्बोज, पूर्व विधायक भीमसेन मेहता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ का कार्यक्रम है और जो है आज खास वजह तो ये है कि जो नरेंद्र सांगवान जी, जिन्होंने चुनाव के समय जो कांग्रेस परिवार में शामिल हुए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और चुनाव में उनके आने से पूरे ज़िले में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, तो आज उनके घर पे आज इन्होंने सबको लंच कराया, आपको भी आप भी खाना खाके जाइए। आज ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम फिलहाल हरियाणा की राजनीति को देखकर आप क्या समझते हैं कि ये जो सरकार बनी हरियाणा में, अब 100 दिन से ज्यादा हो गए और इतने लंबे समय बीतने के बावजूद इस सरकार ने अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लोगों के लिए नहीं बनाया। इससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि लोगों के हितों से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये तो खुद के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में लगे हुए हैं, कौन सा महकमा, कितना लूटना खसूटने का महकमा किसके पास आए, किसको कितनी सिक्योरिटी मिले, सीआईडी रहे कि गृह मंत्रालय रहे, अभी तक तो इन्हीं विषयों पे वाद विवाद चल रहा है। लोगों के लिए क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, सरकार की क्या किस दिशा में चले, कोई कैसे ये अपने वायदे पूरे करें, अभी तक उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। सबसे इसका उदाहरण बुढ़ापा पेंशन है। बीजेपी का वायदा था 1 नवंबर से सरकार बनते ही 3100 बुढ़ापा पेंशन करेंगे और जेजेपी का वायदा था 5100 करेंगे, मगर क्या हुआ? कौन में प्रोग्राम की कमेटी बनी, उसका क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता, मगर केवल मात्र 50 रुपये बढ़ाने का काम इस सरकार में हुआ है। तो स्पष्ट है लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो एक स्वार्थ में, अपने निजी लालच में और स्वार्थ में बनाया हुआ गठबंधन है जिसका केवल उद्देश्य लूटना खसूटना है। और हरियाणा के लोगों को ऐसे इन परिस्थितियों में आज बड़ी चिंता है कि भाई लोगों ने तो भावना ये थी सरकार को बदलने की भावना थी। लोगों ने, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में मात्र 4200 वोटों का अंतर रहा, इसी 4200 वोटों के अंतर से निर्धारित हुआ कि सबसे बड़ा दल बनने से हम वंचित रह गए, केवल 4200 वोट और मिलते कांग्रेस को तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनता हरियाणा में, 36 सीट आती। और जो बराबर के, जब कांग्रेस और बीजेपी के एक लगभग मत बराबर है, कुछ सीटों में अंतर रहा, बाकी जो दल था दूसरा जेजेपी, उसने भी पूरे जितने
सारी अपना अपना कैंपेन रहा, जितने भी मत प्राप्त किए वो बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने के नाम पे लिए। उसके बाद उन्होंने अपने वोटरों के साथ विश्वासघात करने का काम किया और सबसे पहले जाके बीजेपी सरकार को समर्थन देने का काम किया। तो भावना हरियाणा में भी लोगों की ये थी कि ये सरकार को लोग सत्ता से बाहर चाहते थे, तो लोगों के साथ एक विश्वासघात हुआ जेजेपी के माध्यम से, और एक जो एक भ्रम प्रेस के अंदर रहा 75 पार का, तो फिर भी गठजोड़ करके सरकार बनी। हमने तभी ये कहा था कि सरकार अच्छी चलेगी तो हम इनको पूरा एक सकारात्मक विपक्ष की तरह हम पूरा जो है सरकार के साथ सहयोग करेंगे। मगर 100 दिन के बाद जो ये निष्कर्ष जो पे हरियाणा पहुंच रहा है वो ये कि भाई ये जो गठबंधन है ये किसी काम का, लोगों के काम का गठबंधन नहीं दिखाई देता, ये केवल अपने स्वार्थ का गठबंधन। आपको क्या लगता है कि देवेंद्र बबली सुभाष बराला पर निशाना साध रहे हैं, रामकुमार गौतम भी बोलते रहते हैं, 5 साल सरकार चलेगी? देखिए, ये चलेगी नहीं चलेगी तो भविष्य बताएगा, मगर इस सरकार की वो स्थिति है जो जैसे 3 टांगों पे खड़ी हुई एक जो है कोई कुर्सी होती है, एक टांग बीजेपी की, एक जेजेपी की है और एक निर्दलीयों की। जहां तक बीजेपी की बात है, सबसे वरिष्ठ बीजेपी के जो विधायक है वो अनिल विज, वो स्वयं अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे। जेजेपी के जो सबसे वरिष्ठ है रामकुमार गौतम, वो जेजेपी के मुख्यमंत्री पे निशाना साध रहे हैं, और जो निर्दलीय हैं चाहे वो बलराज कुंडू हों चाहे बाकी लोग हों, वो इन दोनों पे निशाना साध रहे हैं। 3 टांगों पे खड़ी हुई कुर्सी है, तीनों टांगे लंखड़ा रही है। अब ये कितना लंबा चलेगी नहीं चलेगी तो समय बताएगा। लोगों के हक के और अपने वायदों को पूरा करेंगी, लोगों के हक में चलेगी सरकार, तो मैं समझता हूँ कि साथ मिलेगा। मगर अगर इसका संगठन नहीं है, पिछले लंबे समय से चुनावों से पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो कैसे हरियाणा की हितों की लड़ाई लड़ेंगे आप? ये जल्दी ही, मैं आशा करता हूँ जल्दी कांग्रेस पार्टी का संगठन का गठन किया जाएगा हरियाणा के अंदर, ऐसी मुझे पूरी आशा है। ये एक नुकसान हमें झेलना पड़ा था पिछले चुनाव में, जैसे मैंने कहा कि केवल मात्र 42 वोटों का अंतर रहा, उसे कई कारण थे, उसमें एक कारण हमारी भी, कांग्रेस की भी हमारी कुछ कमियां रही थी, जिसमें संगठन का गठन ना होना, कुछ फैसले लेने में कुछ देरी हुई, जिसकी वजह से जो लोगों की भावनाएं थी उसको जो रिजल्ट पोल रिजल्ट होता है उसमें ट्रांसलेशन में, तो हम ये बात स्वीकार सर, करते हैं। सर आपको कल, और आप जल्दी से जल्दी, कल आपका एक ट्वीट आया हरियाणा में हाफ और दिल्ली में साफ, क्या समझते हैं कि बीजेपी? ये मैं समझता हूँ कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति, दिल्ली के चुनाव पे आ जाता हूँ मैं, तो दिल्ली के चुनाव में जो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, केजरीवाल जी को दोबारा लोगों ने बड़े बहुमत से जिताया है, तो हम केजरीवाल जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, दिल्ली के लोगों के अच्छा काम करें। दिल्ली हरियाणा जुड़ा हुआ है हर तरीके से, विकास के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, तो वो जो है अच्छा काम करें, शीला दीक्षित जी के समय जो काम हुआ था उसको आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा, जहां तक बीजेपी की बात है, वो बीजेपी जिसके आज से लगभग 10 महीने पहले लोकसभा में 7 सांसद आए, 5 लाख से लेकर 9 लाख तक की के मार्जिन से दिल्ली में जीते थे 7 सांसद, 9 लाख से भी जीते, 5 से लेके इतने बड़े बहुमत के साथ सांसद जीत के वहां पे आए, आज वो बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट के रह गई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने के प्रयास किए गए उस राजनीतिक सोच के विचारधारा के हम लोग खिलाफ है, जो धर्म या जाति के आधार पे भाईचारे में खटास पैदा करके अपनी वोट लेने के और वोट बैंक बनाने के जो प्रयास रहते हैं, वो मैं समझता हूँ उस विचारधारा को लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने नकारने का काम किया। और जो है पहले, जैसे मैंने कहा, शुरुआत हरियाणा से हुई, हरियाणा में जो बीजेपी का जो जिसे कहा था कि भाई जो बीजेपी का जिस घमंड पे बीजेपी सवार थी, उस घमंड को सबसे पहले हरियाणा के लोगों ने तोड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के लोगों ने भाजपा को हाफ करने का काम किया और दिल्ली की जनता ने बीजेपी को साफ करने का काम किया। सर, कांग्रेस का भी एक भी नहीं है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी कांग्रेस, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व के अंदर वहां पे कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी और दिल्ली के अंदर भी सरकार बदली गई है, और हरियाणा के अंदर भी, जैसे मैंने कहा कि लोगों की भावना तो बदलने की थी हरियाणा में भी, मगर वो थोड़ी सी कसर हरियाणा में रह गई जिसकी कसक है लोगों के दिलों में। तो ये एक जिस दिशा में जो है राजनीति का ने एक मोड़ करवट ले रही है,
उसका ये संकेत। दीपेंद्र जी, आज अशोक तंवर जी का जन्मदिन है, उसको वह 16 तारीख को एक करनाल में मना रहे हैं एक अलग ही रूप में, और कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके अलग पार्टी बनाने की भी बात। एक बात नहीं, देखिए उस बात में कोई उस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता, मगर एक बात और मैं आज कहना चाहता हूँ। कल गोगड़ीपुर गांव के अंदर एक बड़ा एक मर्डर का केस सामने आया, और अभी मैं सोनीपत में था, सोनीपत में भी एक बड़ा भारी, वहां पे तो जो होमगार्ड थे, तीन जो है बदमाशों ने होमगार्ड को घसीटते हुए ले गए सड़क खुलेआम। तो ये जो अपराधी जो है उनका जो एक भय, बिना भय जिस तरीके से प्रदेश आज हमारा अपराध में नंबर एक गिना जा रहा है देश में, ये बड़ा चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर सरकार अपना जो है रवैया स्पष्ट करे, कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करे। हम बराबर का टक्कर का विपक्ष हरियाणा में सरकार ना भूले, हम विधानसभा से लेकर और सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे लोगों की। दुख की बात यह है कि जो प्रदेश 2014 में कांग्रेस सरकार हुड्डा सरकार के समय निवेश में नंबर एक था, आज विकास दर में नंबर एक था और निवेश दर में नंबर एक था, आज वो प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर एक हो गया, अपराध में नंबर एक हो गया, और नशे में भी आपने देखा होगा, अभी जो रिपोर्ट आई वो पंजाब से ऊपर हरियाणा को नशे के अंदर। तो हमारी युवा पीढ़ी को इस सरकार ने बेरोजगारी, अपराध और नशे की तरफ झोंकने का जो काम किया है उसको लेके हमें बड़ी चिंता है, और सरकार इस बात को लेके जो है तुरंत अपने सरकार को इस कानून व्यवस्था की जो विफलता है इस पे लेके सरकार को और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि अब तो दो मंत्रालय भी बटे हुए हैं। गृह मंत्री जी कहते हैं मेरे पास जो गृह मंत्रालय है वो बिना सीआईडी के ऐसा है कि जैसे बिना नाक कान के आंख के धड़ और दो हाथ और दो पैर और धड़ चल रहा है, और जो है सीआईडी मुख्यमंत्री जी के पास है। तो अब दोनों इस बात पे स्पष्टीकरण दे कि अपराध में इतनी एकदम से बेखौफ कैसे अपराधी, और जो करनाल के अंदर जो कल घटना हुई, सोनीपत के अंदर जो कल घटना हुई, वो इन बातों उस बात का। दीपेंद्र जी, एक दो दिन से खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार अपनी गाड़ियां दे जा रही है, तो लगता है कि करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है मंत्रियों की गाड़ियों। मैंने जैसे कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना था तो बनना, बात तो थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना तो था लोगों के लिए कि भाई बुढ़ापा पेंशन 3100 हो या 5100 हो, किसान का कर्जा माफ हो, 75% रिजर्वेशन हो, लोगों के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना था। मगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं ये 100 दिन में केवल अपने लिए, कि भाई क्या अपने लिए क्या बना रहे हैं कि भाई कितना कौन सा लूटने खसूटने का महकमा किसके पास जाए, कौन कौन सा महकमा डकार गया, जैसे राम कुमार गौतम जी ने कहा, सीआईडी किसके पास, गृह मंत्रालय किसके पास, सिक्योरिटी किसके पास, करोड़ों की लाखों की गाड़ियां किसके पास। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम केवल अपने लिए बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा को, ये हरियाणा के लोगों को जो सरकार की जो नियत है जो शुरू के 100 दिन में देखने को मिली है, वो जो जो पिछली जो खट्टर सरकार थी ये उस सरकार से जिसको लगभग लोगों ने रिजेक्ट करने का काम किया था, ये उससे भी ज्यादा एक चिंता होती है कि ये सरकार प्रदेश को किस दिशा में लेके जाएगी। ये जो अंतर विरोधों से के बोझ में दबी हुई सरकार है, ये हरियाणा के लोगों के लिए क्या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों लगता है कि आपको दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री को सारे ये जो कमाई वाले जो महकमे बता रहे हैं, आप डिपार्टमेंट बता रहे हैं, क्यों दिए गए? ये तो आप जो है वही, तो इसका सवाल का जवाब तो या तो खट्टर साहब दे सकते हैं, या दुष्यंत, या दुष्यंत जी दे सकते हैं, या अमित शाह जी दे सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर सही जवाब चाहिए तो आप दादा गौतम से पूछ सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। जल्दी में जल्दी JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।